हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुनगे की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो सब्जी बनाने के लिए हमने 200 ग्राम मुनगे ले लिए हैं, 4 आलू ले लिए हैं और 4 टमाटर है। और इधर पेस्ट बनाने के लिए हमने मिर्ची 2 ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं और लहसुन 4-5 कली और अदरक और राई ले लिए हैं। मसाले में हम लिए हैं जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ये धनिया पाउडर और ये आपका खड़ा जीरा है, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और ये गरम मसाला है, ये नमक है, स्वाद अनुसार नमक ले लिए हैं। चलिए हम सबसे पहले आलू और मुनगे को तल लेते हैं। गैस पर कढ़ाई रख दिया है, इसमें तेल रख दिया है, डाल दिया है और तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले आलू को डालते हैं। आलू इसमें डालेंगे, आलू इसमें डालेंगे, इसके बाद इसे डालेंगे। अभी हमारा आलू भुन रहा है, देखिए हम लोग इसी कढ़ाई में बनाते हैं सब्जी। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने से बहुत टेस्टी बनती है और उसमें ढेर विटामिन रहते हैं, स्वादिष्ट सब्जी रहती है। इसलिए मैं लोग इस कढ़ाई में सब्जी बनाती हूँ। आलू अभी भुन रहा है, तब से मैं हमारा आलू भुन रहा है तब से हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। लहसुन ये आपको पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हमारा आलू भुन गया है, भुन चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब हम मुनगे को भुनेंगे। भुन गया है, इसको हम निकाल लेंगे। चलिए हम मसाला बनाते हैं, करी बनाते हैं। सबसे पहले हमने तेल डाल दिया, तेल गर्म हो चुका है देख लीजिए। और इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालते हैं, जीरा भुन जाए। जिसके बाद हम पेस्ट जो बनाए हैं अदरक लहसुन हमारा पेस्ट भुन रहा है, भुन जाएगा तो इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। ये हमारा मसाला भून चुके हैं, अब इसमें हम टमाटर पेस्ट डालेंगे। इसके बाद हम सब मसाला डाल लेते हैं। एक चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, काली मिर्च 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसको हम भून लेते हैं। हमारा मसाला तैयार हो रहा है, भून रहा है। मसालों को अच्छे से भूनिएगा।
देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला बन चुका है। अब इसमें हम अपना सब्जी डाल देते हैं। इसको मिला लेते हैं मसाला, अच्छे से मिला मिल गया मसाला। अब हमारा मसाला हो चुका है, इसमें हम और पानी डालेंगे। अब जितना तली चाहते हैं उतना पानी डाल सकते हैं। पकेगी तो थोड़ा पानी सूखेगा। इसको ढक देते हैं, ये पक जाएगी। बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे, देख लेंगे पक गई है कि नहीं पकी है। और पक गया, अब हमारी सब्जी पक चुकी है। इसको एक हम बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। कैसी लगी हमारी सब्जी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके।